नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। दो बूंद के बारे में मैंने बात किया है। दो बूंद होम्योपैथी की जो दो बूंद है दवाइयां आपको लेनी है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने थंबनेल देखा, दवाइयों का हम आपको नाम बताएंगे और उसकी केवल दो बूंद सुबह और दो बूंद शाम आपको लेनी है। टॉपिक आज का जो है वो है पिंपल्स, एक्ने। मुहासे होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण इनडाइजेशन, पेट की तकलीफें। जिसकी ज्यादा पेट की तकलीफें उनको मुहासे ज्यादा होते हैं। दूसरी जो समस्या है वो है हार्मोनल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हार्मोनल कंप्लेंट की वजह से भी आपको मुहासे आते हैं। ये दो कारणों के अलावा जो तीसरा कारण होता है वो भी जान लीजिए। रात में भी आप जाग रहे हैं तो भी आपको मुहासे आ सकते हैं, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। कुछ दवाइयां यदि आप ले रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको मुहासे आ सकते हैं। पिंपल्स जनरेट होना एक सामान्य बात है। मेरा यहां ऑब्जेक्टिव छोटे वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि वो कौन सी कॉमन मेडिसिन है जिसको आप लें और आपके मुहासे यूं खत्म होने लगे। अब आप सोचेंगे ये जादू हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ये जादू नहीं है, ये होम्योपैथी है। और होम्योपैथी की वो जरूरी मेडिसिन जिसको लेते ही या कुछ समय लेने के बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा, हो सकता है आपको 15 दिन लगे, हो सकता है महीना भर लगे, हो सकता है 2 से 3 महीने लगे, लेकिन इसको कंटिन्यू कर लीजिए तो आपको बातें जो मेरी है वो क्लियर हो जाएंगी और आपके प्रैक्टिकली दिखने भी लगेगा। दवाइयों के नाम नोट कीजिए। यदि आपको इन वजहों के कारण मुहासे आ रहे हैं, आपको अपनी वजह को समझनी पड़ेगी जो मैंने वजह बताई। पहली वजह है यदि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से मुहासे आ रहे हैं और आपका महीना ठीक नहीं होता। यदि आप फीमेल हैं, महीना ठीक नहीं हो रहा, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, मुहासे आ रहे हैं, दवाई नोट कीजिए। दो बूंद पल्सटिला नाइग्रिकेंस 200, दो बूंद सुबह दो बूंद शाम को। आपकी जब तक तकलीफ चलती है तब तक आपको इसको लेना है। साथ में आपको हमेशा कॉमनली एक मदर टिंचर यूज करना है, बर्बेरिस एक्विफोलियम 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम का। लेकिन दो बूंद जो है वो पल्सटिला नाइग्रिकेंस की है, दो बूंद सुबह दो बूंद शाम, और ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली ड्रग है। हार्मोनल तकलीफों की वजह से, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से यदि आपको मुहासे आते हैं 100% करेक्ट होंगे। दूसरी बात, पेट खराब है, इनडाइजेशन आपको होता है और उसकी वजह से पेट फूला फूला रहता है, लीवर की वीकनेस है आपकी और आपको मुहासे आ रहे हैं, दवाई का नाम नोट कीजिए, लाइकोपोडियम 200 दो दो बूंद सुबह शाम। तीसरी बात, यदि आपको रात में काम होता है, रात जाग रहे हैं और आप रात में जागने की वजह से आपको मुहासे आ रहे हैं, नक्स स्वामी का 200 दो दो बूंद सुबह शाम रेगुलर कर लीजिए जब तक आपकी तकलीफें ठीक नहीं रहती और जब तक आप अपनी रात में जागने की आदत में है उसको सुधार नहीं देते तब तक आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। ये दवाइयां लेने के साथ में आपको 10-10 बूंद आधा कप पानी में 10-10 बूंद डाल के बर्बेरिस एक्विफोलियम लेना है। ये मदर टिंचर आता है बर्बेरिस एक्विफोलियम, 10-10 बूंद इसके साथ में लेना है, लेकिन दो दो बूंद वाली दवाइयां हमेशा रखिए। यदि हार्मोनल कंप्लेंट है तो पल्सटिला 200, यदि इनडाइजेशन हो रहा है और लीवर की वजह से वीकनेस आ रही है तो लाइकोपोडियम 200, और यदि आप रात में जाग रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है मुहासे आ रहे हैं, नक्स स्वामी का 200। ये बहुत कॉमन दवाइयां हैं। और एक और बहुत कॉमन दवाई जो यूज होती है मुहासों के लिए वो है कैलीबाइक्रोम। हार्ड मुहासे हो गए हैं बड़े और हार्ड मुहासे कड़े हो गए हैं, फिर पस बनते हैं और उसमें ब्लैक हेड और व्हाइट हेड्स भी आ जाते हैं। कैलीबाइक्रोम, जिसमें देखा होगा कैसे कुछ कुछ हार्ड से कड़े से मुहासे और रफ हो जाती है स्किन, उनके लिए कैलीबाइक्रोम 30 पोटेंसी में दो दो बूंद सुबह शाम रेगुलर कीजिए, फिर देखिए कितना बढ़िया हो जाता है आपका फेस। और एक क्रीम बता रहा हूं,
कैलेंडोल स्पेशल मेडिसिन कम फार्मेसी का है, या आप कैलेंडोल किसी भी कैलेंडुला किसी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कैलेंडोल स्पेशली बता रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट है। कैलेंडोल स्पेशल ऑइंटमेंट मेडिसिन फार्मा का अच्छा है, इसको आप यूज कीजिए, आपको फर्क दिखेगा। आप उसी जगह पे लगाइए जहां पर आपको मुहासे हो रहे हैं। तो आशा है ये छोटा और काम का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यदि आप नए हैं, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो प्रैक्टिकल कीजिए, इस प्रैक्टिकल को करके देखिए, और हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट, मौसम्बी, संतरा, नींबू, इसका प्रयोग रेगुलर करना है, ये करके देखिए, आपको बहुत आराम लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।